नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। कशिश न्यूज के जागो सरकार जागो में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेगूसराय में सुशासन के उड़ रहे धज्जियों की, जहां 31 जनवरी के बाद लगातार बेखौफ अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। अब बिहार में सत्ताधारी दल के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी हुंकार भरी है और SP अवकाश कुमार को फोन कर जमकर क्लास लगाई है। दरअसल 31 जनवरी के बाद बेगूसराय में लगातार अपराधी रंगदारी को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर दो कर्मचारियों की हत्या हो या महिला मुखिया की गोली मारकर हत्या या दो छात्रों को अलग अलग फुलवरिया इलाके में हत्या, इन सब से खफा गिरिराज सिंह ने SP को जमकर क्लास लगाई है। पहले सुनते हैं कि गिरिराज सिंह ने आखिर SP पर इतने नाराज क्यों हुए और अवकाश कुमार को फोन पर किस तरह से क्लास लगाई है। SP साहब, मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, आपको कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अधिकार ही नहीं है मुझे कुछ कहने का। मैं हूँ बरौनी में, फुलबरिया में। ये राक्षस लोगों को आपने बैठा दिया, जो सबको मार मार करके एक्सीडेंट 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 और फिर मिलने जाए तो उसको जेल जेल, क्या कहते हैं, इस्तीफा करके हम यहाँ से निकल जाए। ये आपको फुलबरिया में ट्रांसपोर्टर रविंदर राय की हत्या हुई है, आपको नहीं मालूम है? अब एक्सीडेंट एक आपको नहीं मालूम है? ये तो पूरी पब्लिक लगी तब जाकर के कहा उसका एक्सरे हुआ तब जाकर के आपकी पुलिस। वो जो लड़का मारा गया राजवाड़ा वाला, जिसके परिवार को आपने जेल भेज दिया, क्या कर रहे हैं, क्या विचार है? या तो नीतीश कुमार को कहिए कि बेगूसराय जिला लोग खाली कर दे। SP साहब उसको घर से पकड़ करके पूरे परिवार को ले गए, जिसका बाल बच मरा हो। आप कह रहे हैं एक्सीडेंट, तो कह रहा हत्या खून का है। छोड़िए आप, इसका मतलब मैं समझ गया कि आप लोग चाह रहे हैं कि कोई जुबान न बोले, हत्यारा हत्या करते जाए। और आपका क्या क्या झूठ, आपके कहने केवल आपके कहने से झूठ होगा? आपका आपका आपके आपका पुलिस वहां से औरतों को रात में खींच करके लाता है, इतना भी लेकिन औरत को घर से खींच के ले आएंगे? नहीं, जेल कैसे नहीं भेजे, घर से क्यों लाए औरत को? जेल तो भेज दिए। तो CGM धनबाद जो डिमांड किया, और इसका मतलब ये है, देखिए, गलती को छुपाइए मत। आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर एकदम अपराधी सर चढ़ करके बोल रहा है। तो आपने अभी देखा कि किस तरह से केंद्रीय मंत्री ने अवकाश कुमार SP को जमकर क्लास लगाई। गिरिराज सिंह इस बात से नाराज थे कि मृतक छात्र के परिजन जब SP ऑफिस न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे तो पुलिस ने हत्यारे की गिरफ्तारी के बदले उनके परिजनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यहाँ हमारे साथ बेगूसराय के बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल के लोग, आम लोग भी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर बेगूसराय में अपराध इतना क्यों बढ़ गया है और प्रशासन किस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जदयू के नेता हैं और पूर्व महापौर हैं संजय कुमार, उनसे जानते हैं कि बताएं किस तरह से अपराध बढ़ रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है, सुशासन के दावों पर भी अब सवाल उठने लगा है। सुशासन के दावे पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। याद कीजिए वो जब 2005 से पहले का बिहार जो अपराध से करा रही थी, और 2005 के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस बिहार के बागडोर को संभाला और उन्होंने कहा जो हम न्याय के साथ विकास करेंगे और अपराध मुक्त इस बिहार को बनाएंगे, और लगातार स्पीडी ट्रायल के चलाकर सभी अपराधियों को जेल के अंदर डाला गया। ये आपका कहना सही है, जो अपराध हो रहे हैं और अपराध हो रहे हैं तो जो भी अपराध हो रहे हैं उनका, जो भी ऐसे अपराधी तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। पिछले दिन जो महिला मुखिया की हत्या किया गया वो भी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। जो बेगूसराय में कंस्ट्रक्शन कंपनी के
दो इंजीनियर और वहाँ के मुंशी को भी हत्या हुई, वो भी अपराधी गिरफ्तार हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और जो प्रशासन है वो लगातार अपराधियों पर दबिश बना रहा है, लेकिन अपराधी को जिस तरह की ये पहले जो खुली छूट थी वैसा कोई खुली छूट नहीं है। और 2005 के बाद लगातार 15 साल से जो सुशासन की सरकार है वो सुशासन बिहार में अमन चैन है। आज घर से चाहे वो महिला हो पुरुष हो जो भी हैं सभी अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं और आते हैं, उन्हें कोई डर का भय माहौल ऐसा नहीं है। पहले जो सुनियोजित अपराध होता था अपहरण लगभग बिहार में बंद है, पहले जो सुनियोजित अपराध होता था डकैती वो लगभग बंद है। तो इस तरह के अपराध लगभग बंद है, कुछ अपराध ऐसे हो रहे हैं जो अपराध तो होते हैं लेकिन होता क्या है जो अपराध के पीछे वो लोगों अपने ही किसी आदमी को फंसाने के लिए। हम एक घटना की जिक्र करते हैं जो 26 जनवरी के दिन एक शिक्षक मेरे ही गांव में रात में सोए सुबह सोए रह गए, उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुआ, लेकिन परिजन जो है सो सुबह से इतना बवाल मचाए हुए थे जो इनकी हत्या कर दी गई। पिछले दिनों यहीं बेगूसराय में ही आप लोग गवाह हैं जो एक हत्या कहीं एक लाश मिला, लोगों ने लाश को लाकर एनएच पर जाम कर दिया और वहां जो लोग गए उनको बचाने के लिए तमाम पत्रकारों को पीटा गया। तो इस हत्या के आड़ में जो भी शरारती तत्व हैं वो लगातार जो भी हमारे पत्रकार मित्र हों या पुलिस को हमेशा उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनको पीटते हैं, उनका कभी सर फोड़ देते हैं, कभी इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर रंगदारी को लेकर के जबर मगर किया गया, महिला मुखिया की हत्या की, तो कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठेगा फुलवरिया में तो छात्र की हत्या की गई उसमें सड़क हादसा का रुख किया जा रहा है। अपराध ये बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री या जो भी हैं ये कहते हैं जो अपराध एकदम बंद हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। और जितने भी देश हैं ये तो बिहार है, बिहार के अलावे दूसरे राज्य की बात कर लें और अलग जो विकसित देश हैं उनकी भी हम चर्चा करते हैं, वहाँ भी घटनाएं होती है, अपराध वहाँ भी होता है। ऐसा नहीं होगा जो अपराध मुक्त एकदम शून्य हो जाएगा, लेकिन अपराध के बाद जितने भी अपराधी हैं जो भी घटना को अंजाम दे रहे हैं वो जेल के पीछे जाते हैं और कानून के तहत उनको सजा भी मिल रही है। की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जब परिजन पहुंचे तो पुलिस ने परिजनों को ही गिरफ्तार किया, तो ये पुलिस का सवाल है। एकदम आपका कहना सही है, जो भी है अगर ये लोकतंत्र है लोकतंत्र में अपनी मांग को रखना है और गिरफ्तारी के लिए वो आए थे अपराधी थे अपराधी की गिरफ्तारी के लिए आए, लेकिन वहाँ उनके साथ जो शरारती तत्व जाते हैं जो उनके साथ वो जो तोड़फोड़ करते हैं और तोड़फोड़ करने वाले तो चले जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनके परिजन को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से गुहार लगाता हूं मैं भी जो अगर वो परिजन निर्दोष हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। और जो भी सांसद हैं सत्ताधारी दल के वो सवाल उठा रहे हैं कि अपराध लगातार बढ़ रहा है, ठीक है दो इधर आप जो कह रहे हैं घटनाएं हुई है लेकिन हर घटना को जो हमारे जिला प्रशासन है वहाँ उसकी गिरफ्तारी हुई है, सभी अपराधी पकड़े गए हैं और जो भी अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उस पर अपराधी को पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं जो 100% अपराध बंद हो जाएगा ये नहीं हो सकता है। अपराधी जो भी हमारे समाज के विचित्र मानसिकता विकृत जिनकी मानसिकता है हम सभी जानते हैं जो किसी की हत्या करना तो फांसी की सजा होती है आजीवन कारावास होता है, बावजूद उसके लोग कर रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही है लेकिन सभी लोग जानते हैं कि इस घटना में लोगों को फांसी होती है, लेकिन जो समाज में उससे विकृति तत्व हैं जो राक्षसी मिजाज के लोग हैं उनके द्वारा यह घटना का अंजाम दिया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमेशा तत्परता से उसको गिरफ्तार करती है और उसको सजा भी दिलवाने का काम। निश्चित रूप से जदयू के वरिष्ठ नेता हैं इनका कहना है कि अपराध होते हैं लेकिन पुलिस कार्रवाई भी करती है, और हमारे साथ और भी दल के लोग हैं उनसे बात करते हैं ताकि आप किस रूप में देखते हैं कि लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है। देखिए बेगूसराय में तो लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो है जो इस अपराध के खिलाफ में यदि लोग जाते हैं पुलिस के सामने इस पर कार्रवाई हो तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात हो जा रही है। जो अपराधियों पर नकेल कसने के बजाय जो पीड़ित हैं
उन पीड़ित पर ही कानूनी कार्रवाई की जाती है, बेवजह उनको पकड़ करके जेलों में बंद किया जा रहा है। तो ये कानून से कानून का किस तरह से यहाँ का प्रशासन व्याख्या करता है, यहाँ के पुलिस महकमा कैसे उसकी व्याख्या करते हैं, तो ये आश्चर्यजनक बात जो आज इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है लगातार। आज ये भले ही इसको बोलने के लिए हमारे कह रहे हैं, बगल में अभी तुरंत बोल रहे हैं, जो अपराध की घटनाएं हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है, मैं मान लेता हूं कार्रवाई होती है, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों पर आपने क्या कार्रवाई किया जिसने, जो पीड़ित है जिसके घर के बच्चे मारे गए, और वो आता है जो अपराधियों पर कार्रवाई हो और आप पकड़ करके उसे जेलों में बंद कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मान लीजिए इस तरह से जो नेगेटिव राजनीति, नकारात्मक जो राजनीति चली है हमारे राज्य में, हमारे देश के अंतर्गत, इसका बड़ा प्रभाव है। और इस नकारात्मक राजनीति के जरिए अपराधियों का जो होता है वो ये वर्गीकृत किया जाता है, ये हमारे हैं या दूसरे, बल्कि इस रूप में नहीं देखा जाता है, जो अपराधी अपराधी है, अपराधी को अपराधी के रूप में न देख करके ये हमारे हैं तो उसका हम बचाव करें, और यदि हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो उनका खिलाफत हो। और इसमें पुलिस महकमा जो है निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी बात है, जो ये अपराध को बढ़ावा देने के लिए लगे हुए हैं, इसीलिए जो उनका दबाव होता है, यदि वो अपराधी पर लगातार कार्रवाई कर लेते हैं तो ऊपर से प्रशासनिक सरकार का दबाव होता है, मंत्री का दबाव होता है। और निश्चित रूप से आप बताएं कि केंद्रीय मंत्री ने भी सवाल उठाया है, बेगूसराय में पिछले 15 दिनों की बात की जाए तो दर्जन भर हत्याएं हुई हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो पाती है, थाना पुष्टि की जाती है, केंद्रीय मंत्री ने भी सवाल उठाए, तो इसको किस रूप में देखते हैं? ये बात ठीक है, केंद्रीय मंत्री उठाए हैं, लेकिन आज जो बिहार में अफसरशाही जो है ये जनप्रतिनिधि का कद छोटा कर दिया है, और कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं होता है, और ख़ास तौर पर ये अपराधी जो है सत्ता के संरक्षण में अपराध कर रहे हैं, और खुली छूट मिली हुई है। वर्तमान जो पुलिस कप्तान के समय में प्रत्येक दिन बेगूसराय में 2-3 अपराध की घटनाएं घट रही है, लेकिन कहीं कोई नियंत्रण करने में पूरी तरह पुलिस विफल रहा है। पुलिस की प्रशासनिक भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर है, यही वजह है कानून की भय जो है समाप्त हो चुका है। आज कानून से अपराधी नहीं डर रहे हैं, और खास करके सत्ता से संरक्षित लोग जो खुलेआम, एक तरफ सरकारी शराब का धंधा बंद है, सरकारी लाइसेंस ही बंद हो गया, लेकिन आज होम डिलीवरी चल रहा है, और होम डिलीवरी में जो लगे शराब माफिया हैं उस सत्ता का रिलेटेड हैं, और आज उसी से वे दिन दुगना रात चुगना के हिसाब से उनकी संपत्ति जफा हो रहा है। नीतीश बाबू घोषणा किए थे जब हम शराब माफिया का संपत्ति जब्त करेंगे, लेकिन आज बिहार में किसी भी शराब माफिया की संपत्ति जब्त नहीं हुई, उल्टे जो है जो शराब पीने वाले लोग हैं 3 लाख लोग जेल में बंद हैं, और इस दौरान दलित गरीबों को सजा भी दिलाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस विफल है बेगूसराय में, पूरी तरह पुलिस विफल है, पुलिस की भ्रष्टाचारी जो नीति है इससे अपराध और बढ़ रहा है। अपराधी खुलेआम पुलिस के साथ थाना में बैठते हैं और बजाबते जो हैं, जनप्रतिनिधि अगर कहीं से भी कोई फोन अगर करे तो बजाबते अपराधी को पहले मालूम हो जाता है जब फलना दल के लीडर फोन किए। ये एक सबसे बड़ी पुलिस का कमियां है, जिस वजह से लोग दहशत में हैं और पुलिस से भी अब डर रहे हैं लोग, सूचना भी नहीं दे रहे हैं। और निश्चित रूप से लोगों का सीधा कहना है कि पुलिस अपराधियों से मिली हुई है, पुलिस के संरक्षण में अपराधी बेखौफ हैं, इसी का नतीजा है कि आए दिन लगातार बेगूसराय में बड़ी बड़ी आपराधिक मामले को हत्यारा अंजाम दे रहे हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर बेगूसराय में अपराध बढ़ रहा है लेकिन पुलिस उस पर रोक लगाने में विफल क्यों साबित हो रही है। ब्रेक के बाद जागो सरकार जागो में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेगूसराय में बढ़ते अपराध को लेकर। आपको बता दें कि 31 जनवरी से अभी तक 10 से ज़्यादा हत्या हुई हैं, उसमें रंगदारी को लेकर कंस्ट्रक्शन साइट पर डबल मर्डर
की घटना को अंजाम दिया गया है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनके बाद किस तरह से बेगूसराय में अपराध बढ़ा है, पुलिस रोकने में विफल हो रही है? देखिए, पुलिस तंत्र बेगूसराय जिला में पूर्ण रूप में फेल हो चुकी है, ये पूर्ण रूप में फेल हो चुकी है। पुलिस हत्या को दबाने के लिए घटना को नाम देने का कोशिश कर रही है। बेगूसराय के खास करके पुलिस कप्तान के नेतृत्व में जो बेगूसराय जिले में जितने भी थाने अध्यक्ष हैं, अगर हत्या किसी व्यक्ति को कर दिया जाता है जिसको वो घटना में बदलने का अथक प्रयास करते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं, इनके ऊपर से डायरेक्शन है इनके मुख्यमंत्री जी के द्वारा जे अपराध के ग्राफ किसी तरह से कम करो। खास करके बेगूसराय जिले में तो अपराध चरम सीमा पर है, 15 दिनों के अंदर में 17 आदमी की हत्या हुई है। अगर जिस परिवार के लोगों की हत्या हुई है, परिवार वालों शिकायत करने के लिए जाते हैं, जीता जागता उदाहरण फुलबरिया थाना में आज से एक सप्ताह पहले एक व्यक्ति की हत्या हुई और बेगूसराय पुलिस कप्तान के यहाँ जब शिकायत करने के उल्टे उस व्यक्ति को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि जांच में यह पाया गया है व्यक्ति को मर्डर किया गया। आप परसों धर्मेंद्र रविंदर राय की हत्या हुई और वहाँ के फुलबरिया थाना अध्यक्ष द्वारा कहा जा रहा था इसे एक्सीडेंट में मौत हुई है। जब बेगूसराय सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ जिसमें 2 गोली पाया गया, अभी भी वो हत्या मानने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस तो चर्चा ही नहीं करती है हत्या हो रही। पुलिस बेगूसराय पुलिस का मात्र एक काम रह गया है, जितने भी दारू का ट्रक आती है दूसरे स्टेट से हो, बस 2 लाख रुपये प्रत्येक ट्रक लेकर दारू उतरवाना और दारू बेचवाना, और दारू बेचने वाले कौन कौन है उनसे केवल कमीशन लेना। पुलिस तंत्र बेगूसराय में पूर्ण रूप में फेल, और खास करके किसी भी दल के सामाजिक कार्यकर्ता अगर पुलिस स्टेशन को सूचना देने का प्रयास करते हैं उस कार्यकर्ता को बात ही नहीं रखा जा रहा है। तो निश्चित रूप से पुलिस जो लोग शिकायत भी करते हैं उनकी भी बात नहीं मानते हैं। आप बताए किस रूप में देखते हैं अपराध पर लगाम नहीं लग पा रहा है? बेगूसराय में हमें याद है कि एक अभी वर्तमान जो DGP हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, जब यहाँ के SP थे तो वो AC कमरे में कम रहते थे और फील्डिंग ज़्यादा करते थे। अभी वर्तमान SP जो हैं वो AC कमरे में ज़्यादा रहते हैं और फील्डिंग करते नहीं हैं। निश्चित रूप से पुलिस पदाधिकारी को ज़मीन पर आना पड़ेगा, तब जाके अपराध पर लगाम लगेगा। और आपके माध्यम से मैं जाना कि माननीय सांसद महोदय SP पर आरोप लगा रहे थे विफरे, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अपराध अपराध है, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या पुरानी रंजिश के कारण, किसी भी अपराध का माननीय सांसद महोदय पक्ष नहीं ले, निष्पक्ष रहे तो निश्चित रूप से अपराध पर काबू पाया जा सकता है। 1 घंटा में 3-3 हत्या बेगूसराय में होती है, यह तो दुर्भाग्य है, जबकि कहा जा रहा है ये सुशासन की सरकार है, कहीं से नहीं दिखता है सुशासन की सरकार है। निश्चित रूप से सुशासन पर सवाल उठा, अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस रोक नहीं पा रही है। बिल्कुल, बेगूसराय जिला का जितने भी पुलिस कर्मी हैं थाना में जाकर के नींद से सोते हैं और दारू से कमीशन वसूलते हैं, और रंगदार से लगता है रंगदार से भी कमीशन वसूलते हैं, इसलिए रंगदार को संरक्षण में रखते हैं। तो निश्चित रूप से लोगों का आरोप है कि पुलिस संरक्षण में अपराध हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है, रोकथाम नहीं हो पा रहा है। अपराध तो हमारे बेगूसराय का छोड़ दीजिए, पूरे बिहार में एक सुनामी के तरह चल रहा है। जिस तरह सुनामी आती है और पूरे गांव और पूरे जिला को साफ कर देता है, उसी तरह आज हमारे बेगूसराय में अपराध का ग्राफ उतना बढ़ चुका है जिसे घटाने में घटाते घटाते भी एक दशक बीत जाएगा। क्योंकि हम लोग आज आपके माध्यम से भी देखते हैं, हमारे पुलिस पीछे खड़ी रहती है और हम लोग गोली मारते रहते हैं, मारने के बाद तब उसे गोली अपराधी को पकड़ा जाता है। आज बेगूसराय में देखिए जो लगातार, चाहे वो बैंक के माध्यम से डकैती हो, हम लोग आप सड़क पर कहीं खेत बेचकर अपने बहन बेटी के शादी के लिए रुपया जमा करने जा रहे हैं और उसका स्कॉर्पियो का शीशा तोड़ कर ले जाते हैं। हम लोग CCTV कैमरा में देखते रह जाते हैं कि अपराधी वो है और उसमें मिली भगत रहता है, लेकिन आज वो बैंक कर्मी भी मिली भगत रहता है, लेकिन अब जो यहाँ के प्रशासन है उनका मिली भगत रहता है, चाहे वो बैंक का लूट हो, चाहे अपराधी का घटना हो या कोई भी घटना हो, चाहे हत्या हो, सब में प्रशासन का संलिप्तता रहता है ना। तो आज यहाँ पर भय खत्म हो गया है। सबसे बड़ा बात है अपराध होना, उससे बड़ी बात है कि अपराधियों में भय होना कि प्रशासन अगर हम हत्या करेंगे तो हमें
सजा ऐसे मिलेगी क्योंकि फिर हमें सोचना भी नहीं पड़ सकता है। आज हम लोग हत्या करते हैं, एक महीना में बेल होके आ जाते हैं, अपराधियों का मानसिकता हो गया है, कल किसी को हम मर्डर करेंगे, कहीं लूट लेंगे, कहीं रेप करेंगे और फिर एक महीना के बाद हम दारू बेचने के बाद भी जाएंगे, एक महीना के बाद, दो महीना के बाद हम बाहर निकल जाएंगे। सबसे बड़ा यहाँ भय सबसे जरूरी है, जो भय नाम का चीज प्रशासन का खत्म हो चुका है, जनता के ऊपर विश्वास खत्म हो चुका है, प्रशासन के ऊपर जनता का। तो निश्चित रूप से लोगों का कहना है कि जनता का पुलिस पर भी विश्वास उठ गया है और ये हमारे साथ लोग इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि बेगूसराय में लगातार अपराध बढ़ रहा है, पुलिस रोकथाम नहीं कर पा रही है। और साथ ही साथ एक सवाल यह भी उठा है कि लगातार अपराधी व्यवसायियों को निशाना बना रहे हैं, व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जाती है, उनकी हत्या की जाती है, किस तरह से व्यवसायी अपने आप को आत्मसमर्पित करते हैं? अपने जीवन का बहुत सारा कार्य था सामाजिक कार्य और खास करके अपराध के विरोध में लगाया है। मैं अपराध को एक समस्या मानते हुए उसके कारण और निवारण की ही बात अधिक करूंगा कि अपराध किस कारण से है और उसके निवारण का क्या हो कारण हो सकता है। अपराध का बहुत अभी जो अपराध जो बढ़ा है, मेरी सोच में जितने भी अपराधी हैं, जैसे एक चीज़ में देखा जाए, बालू माफियाओं का जो काम चल रहा था, वो सारे बालू माफिया आज के दिन उस एक नंबर के काम के वजह से चले आए हैं दो तरफ, इसको लेके भी वो सारे बालू माफिया अपराध कर रहे हैं ताकि उनका ऐसो आराम का कार्य चल सके। कुछ बेरोजगारी के वजह से है, कुछ लोग शराब के वजह से भी आए हुए हैं, शराब का जो काम यहाँ हो रहा है उसमें भी जो हमारी सरकार जो है नीतीश सरकार, एनडीए की गठबंधन सरकार, इतना ज़्यादा अंकुश लगाए हुई है, उसका कुछ ना कुछ गलत फ़ायदा लोग उठा रहे हैं, लेकिन इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते कि उस अपराध को रोकने के लिए। आज पूरे शहर को देख लीजिए, एक भी लड़का शराब पीते हुए नज़र नहीं आता है, और उस समय देखते थे कि लड़का नाच रोड पर कर रहा है। इसके पिछले भी हमारे माननीय पूर्व मेयर संजय जी ने कहा अपहरण की घटनाएँ होती थी, मैं खुद मुक्त भोगी हूँ, हमारे बच्चे का अपहरण हुआ था आज से 15 साल 20 साल पहले, तो वो अपराध का ग्राफ घटा है। हाँ, लेकिन इन समस्याओं के निवारण के लिए थोड़ी सरकार को की जागरूकता की ज़रूरत है, और जिस हिसाब से अपराध बढ़ा है वो साइंटिफिक रीज़न भी ये हो सकता है उसमें कि आज पुलिस से अपराधी दो कदम आगे हैं। सीसीटीवी कैमरा का जो हार्ड डिस्क निकाल के ले जाते हैं, वो एक्सपर्ट साथ में ले जाते हैं कि हार्ड डिस्क कैसे निकलना है, वो हार्ड डिस्क निकाल के ले गए और चले गए। अपराध का जो भी आज हो रहा है अपराध, मेरे ख्याल से उसमें प्रशासन आज के दिन अधिक से अधिक उद्भेदन कर रहा है। हाँ, कुछ परिस्थितियाँ ऐसे हैं जहाँ पर इस चीज़ का उद्भेदन नहीं हो रहा है। मेरा मानना यही है कि अपराध पे नियंत्रण हो रहा है और आगे भी हमारी सरकार अपराध के को नियंत्रित करेगी, इसमें वो कटिबद्ध है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, जैसा मित्र ने कहा हमारा कि गुप्तेश्वर पांडे के रीजन में जो अपराध के विरोध में स्लोगन चले थे, आपने लोगों ने देखा होगा हर एक गाड़ियों में अपराध के विरोध में लिखा जाता था, लेकिन हाल के दिनों में तो बहुत ज़्यादा घटना हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है, संसद ने भी सवाल उठाया है। जी, मानते हैं एकाध हम बोले तो एकाध पे ऐसा गलती अगर हुआ है, हो सकता है कि जो वहाँ जैसे प्रदर्शन करने वाले लोग थे उनसे भी किसी तरह की कोई बातें हुई होंगी, ये तो उद्भेदन का चीज़ है, प्रशासन वो अपना देखेगी कि किस वजह से और क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं इस चीज़ को भी मानूंगा कि प्रशासन के द्वारा अगर गलती होती है, खास करके बड़े पदाधिकारियों के द्वारा, तो ये गलत है, मैं भी इसका कभी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं भी इसका विरोध ही करूँगा। लोग इसका विरोध कर रहे हैं, किस तरह से अपराध बढ़े हैं, रोकथाम नहीं हो रहा है? देखिए, अपराध पहले जो हो रहा था अभी जो हो रहा है, अब आंतरिक मामला किसी का था, कोई अपराध कर देता है तो उसमें पुलिस उत्पीड़न कर रही है, लेकिन पुलिसिया जो व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे और भी शहरों में हम बिहार से बाहर जाते हैं तो वहाँ हर एक चौक चौराहे पे 24 घंटा पुलिस मुस्तैद रहती थी। यहाँ ट्रैफिक चौक की बात करते हैं, वहाँ पुलिस मुस्तैदी कम दिखाती है, गाड़ी से पैसा लेने में ज़्यादा बिजी रहती है। पुलिस को चाहिए थोड़ा अपने मुस्तैदी करे और प्रशासन अलर्ट रहे। अलर्ट रहने के बाद ये होगा क्या, अपराधियों में एक खौफ जाएगा, अपने पुलिस अपना उस चौक पे खड़ी, अब इस तरफ से अगर अपराध करके निकलते तो हम पकड़े जाएंगे, अपराधियों में खौफ है नहीं पुलिस का। और हमारी न्याय व्यवस्था भी ऐसी हो गई है, अपराधी अपराध करते पकड़े जाते और तुरंत 6 महीना भी नहीं होता वो बिल गड़ा के बाहर चले जाते हैं।
हार फार के न्याय व्यवस्था जो हमारी इंडिया की कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, बहुत लंबा चौड़ा, उसको शॉर्ट किया जाए। अगर कोई अपराधी पकड़े जाए तो उसको तुरंत सजा हो, और जब तक सजा ना हो ऐसा प्रक्रिया बनाया जाए वो जेल से बाहर ना निकले। तो निश्चित रूप से लोगों का सीधा कहना है कि पुलिस का खौफ कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है, जिसका नतीजा है कि बेगूसराय में लगातार दो डबल मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया, महिला मुखिया की हत्या की गई। सिर्फ फुलवरिया थाना क्षेत्र की बात की जाए तो 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में 3 हत्या की घटना हुई। इसको लेकर ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जब हत्यारे की गिरफ्तारी को लेकर परिजन एसपी ऑफिस में गुहार लगाने पहुंचे तो परिजनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तो लोगों का सीधा आरोप है कि पुलिस संरक्षण में अपराध चरम पर है, लगातार घटना हो रही है। हालांकि कुछ मामलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1-2 अपराधी को गिरफ्तार जरूर की है, लेकिन जो समुचित कार्रवाई पुलिस के द्वारा होनी चाहिए थी वह कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसका नतीजा है कि लोग अपराध को लगातार अपराधी अंजाम दे रहे हैं। और इसके कारण केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बढ़ते अपराध को लेकर एसपी पर भड़क गए और सरकार से मांग की है कि जो घटनाएं हुई हैं उसमें निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी कार्रवाई की जाए।